अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद इकबाल खान, एडवोकेट फ्राम इकबाल इंडस्ट्रियल लॉ सर्विसेज। आज का जो हमारा लीगल लेक्चर है वो है कम्युनिकेशन ड्यूरिंग मैरिज। शादी के दौरान कोई कम्युनिकेशन को जो प्रिविलेज हासिल है, कम्युनिकेशन ड्यूरिंग मैरिज, ऐसी कम्युनिकेशन को प्रिविलेज हासिल है अंडर आर्टिकल 5 है कानून शहादत का। वो बातें जो जमाना अज़दवाज में कही गई हूँ, जो शादीशुदा हूँ या उनकी शादी पहले रह चुकी हो, यानी एक्स हस्बैंड और वाइफ हो, उनको कोई ऐसी बात जहर करने पर मजबूर नहीं किया जाएगा जो अज़दवाजी लाइफ के बारे में हो। किसी ऐसी बात बताने के लिए उनको मजबूर नहीं किया जाएगा जो बात उसकी मियां बीवी के दरमियान हुई हो, क्योंकि उनको प्रिविलेज हासिल है। हां, अगर दोनों मियां बीवी राजी हूं और वो बात का राज अफशा करना उनके बेनिफिट के लिए जरूरी हो तो तब पॉसिबल है। मियां बीवी की गुफ्तगू शादी के दौरान जो चीजें आपस में डिस्कस की गई हों वो बाहर बताने के लिए कोई मजबूर नहीं कर सकता। अगर मियां बीवी में से किसी एक की डिवोर्स हो जाती है तो फिर दूसरा को रजामंदी देने वाला उसका पार्टनर नहीं होता, उसको किसी सूरत मजबूर नहीं किया जा सकता। दोनों अगर जिंदा है तो दूसरा कंसेंट दे सकता है, लेकिन अगर दूसरा जिंदा ही नहीं है तो कंसेंट किस तरह की होगी? जब कंसेंट नहीं है तो इस तरह की बातों को शो करने के लिए उसको मजबूर नहीं किया जाएगा। रूलिंग भी है 40 कलकत्ता 891 और इसके अलावा 15 है CRLJ 303। एक बेवा ने अपने खावंद की वफात से जरा पहले होने वाली बातचीत का इंकशाफ किया, जो कि उसके हस्बैंड ने एक कत्ल के बारे में किया था और उसके बाद उसकी डेथ हो गई। तो ये मैटर जब हाई कोर्ट में गया तो हाई कोर्ट ने इस पॉइंट को जेरे गौर लाने से इनकार कर दिया कि चूंकि एक उसका पार्टनर फौत हो गया, एक बता रहा है उसकी रजामंदी नहीं है, इसलिए उसको प्रिविलेज हासिल है। रूलिंग हुई है 4040 कलकत्ता पेज 891 है और इसके अलावा 15 CRCJ 303 है। तो ये था हमारा आज का लीगल लेक्चर कि प्रिविलेज ऑन द कम्युनिकेशन ड्यूरिंग मैरिज। इसके साथ मुझे इजाजत देकर फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।